Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulallah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum meri pyari behno, mere sab bhaiyon, मेरे सब फैंस, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। मेरी ज़रा, अगर आपको हल्के लग रहे हैं या कुछ भी ऐसे मेरी तबीयत लग रही है, तो ऑब्वियसली रमज़ान चल रहा है और मशक्क़तें हो रही हैं। आई होप कि आप भी मशक्क़त में मसरूफ़ हों। मैं आज से मैंने ये शुरू करना चाह रही हूँ कि मैं एक हदीस आपसे शेयर किया करूँ। बेमकसद की बातें बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ताकि आखरत में एटलीस्ट जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए जाएँ, तो कुछ तो हम कह सकें ना कि हमने हमने आपकी आपका पैगाम, आपका आपका कॉल, आपकी हदीस पहुंचा दी। तो मैंने ये सोचा कि हर अब वीडियो में एक हदीस मैं ज़रूर इंशाल्लाह पढूं, और जिस और आप आगे सुनें और आप वीडियो को शेयर करें। अगर आप मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, उसको लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो जी, आज की जो हदीस है वो मैं आपसे बयान कर देती हूँ पहले, सबसे पहले, उसके बाद बात कंटिन्यू करते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाया, इसको तो एक बार मुबारक बात, और जिसने मुझे नहीं देखा और मुझ पर ईमान लाया, उसको 7 बार यानी बार बार मुबारकबाद। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाया, इसको एक बार मुबारकबाद, और जिस शख्स ने मुझे नहीं देखा और फिर भी मुझ पर ईमान लाया, उस पर 7 बार यानी बार बार मुबारकबाद। सो हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं, हमने उन्हें देखा नहीं, लेकिन हम उन पर ईमान लाते हैं और हम यकीन करते हैं कि वो हमारी शफ़ात फरमाएंगे, और उनकी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए आप सब लोग और मैं भी। और हम ये दुआ करते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें, हम अमलन भी मुसलमान हों। हम बहुत खुशकिस्मत हैं, हम जितना शुक्र अल्लाह का अदा करें कम है कि हम मुसलमान पैदा हुए और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पैदा हुए। लेकिन अब हमने सबूत ही देना है कि हमने अमलन भी जो है, अमल हमारे ऐसे हों जिससे नज़र आए कि हम मुसलमान हैं, जिससे पता चले कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हमारे अमल में ऐसे अमल हो जिसमें हमने नमाज नहीं छोड़नी, हमने सखावत बहुत ज़्यादा करनी है, हमने एहसास बहुत ज़्यादा करना है, हमने किसी को बुरा भला नहीं कहना, हमने सब्र करना है, हमने सब्र करना है, हमने लड़ाई में पहल नहीं करनी, हमने सलाम में पहल करनी है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये बेसिक बेसिक इस्लाम की बेसिक चीज़ें हैं, और अगर ये बेसिक चीज़ें दुरुस्त हो जाएं, तो मेरा ख़्याल में हमारा दीन जो है वो दीन की रास्ते पर चलना मुकम्मल हो जाएगा, और मतलब दुरुस्त हो जाएगा। अब मुझे मेरी, मैं दुआ मांग रही थी, तो मेरी बेटी ने कहा, मामा आप क्या दुआ मांगती रहती हैं हर वक्त ना, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ, शायद मेरी दुआ में आप भी शामिल हो जाएं। तो मैंने उसको कहा, मैं और अपनी बहन को भी ना किसी बात पे कुछ चीज़ें मैं कर रही थी, तो उसने भी कहा कि मतलब क्या चाह रही हो, मतलब क्या करना चाह रही हो। मैंने कहा मैं जन्नत में, मैं अल्लाह से चाहती हूँ, एक तो मैं दुआ भी ये करती हूँ, और मैं अल्लाह से चाहती हूँ कि मेरा जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर जहाँ पर हो ना, तो उनकी उनके घर में ऑब्वियसली सर्वेंट क्वार्टर उनके खादमैन के लिए होंगे, तो उन सर्वेंट क्वार्टर में एक क्वार्टर मेरा भी हो। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं जन्नत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पश्चन पाक की खादमैन में अल्लाह ताला मुझे कबूल फरमाए, उनके खादमों में मुझे शामिल करे, उनका जहाँ घर हो उनके वहाँ उस घर के पास मुलाजमों के लिए हर किसी ने जगह बनाई होती, तो हमारे लिए भी कोई जगह वहाँ पर जो है अल्लाह ताला मुझे दे दे। ये दुआ मैं रोज़ करती हूँ। आप भी इसी तरह से अच्छी अच्छी दुआएँ मांगा करें और आखिरत के बारे में ज़रूर सोचें। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, पता नहीं कल का पता भी नहीं है। आज हम सांस ले रहे हैं, सुबह दूसरी सांस आनी है या नहीं आनी है, अल्लाह का शुक्र है कि आ रही है, लेकिन उस ज़िंदगी का नहीं पता। लेकिन वो ज़िंदगी अजल की ज़िंदगी है जो हमेशा रहने वाली है,
तो उसके अकाउंट में हमने क्या डालना है, उसकी तैयारी क्या है। आप यकीन जानिए, मैंने तो अपना कफन भी लेके रखा हुआ है, हालांकि लोग इसमें हो जाते हैं कि ओ माय गॉड भाई किसी बातें कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, लेकिन मैंने अपना कफन लेके जो आबे जमजम में वो डुबो के और वो पैक करके वो रखा हुआ है एक जगह अपने घर पे, मैंने अपने घर वालों को बताया हुआ है। क्योंकि हम ज़िंदगी में अपनी ईद की तैयारी करते हैं, हम चीज़ों की तैयारी करते हैं, तो हम अपनी आखिरत की तैयारी क्यों ना करें, हम अपने अगले सफ़र की तैयारी ना क्यों ना करें। तो अपना बहुत ख्याल रखें, उम्मीद है कि आप को आज की हदीस दिल पे लगी होगी और हम अमल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें मुबारकबाद दी गई है कि हमने बिन देखे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया है। तो अब हम खुश भी हों और उनको खुश करने की कोशिश करें और उनकी बताई हुई सुन्नत पर चलें, कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें। अपना बहुत ख्याल रखें, ज़िंदगी रही तो फिर बात होगी, मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।